नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो एनटीपीसी वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता होगा कि 10,884 पोस्ट है, तो उसमें कौन कौन लोग अप्लाई करने वाले हैं और कितने मार्क्स आपके ट्वेल्थ में होने चाहिए और सभी पोस्टों का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। किसी की पोस्ट रहती है मनपसंद, कोई टीटी बनना चाहता है, कोई गार्ड बनना चाहता है, कोई स्टेशन मास्टर बनना चाहता है, तो इन सभी के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी और ट्वेल्थ में आपका कितना परसेंट मार्क्स ज़रूरी होना चाहिए ताकि आप एनटीपीसी में जॉब कर सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ 4 से लेकर लेवल 6, या आप इसमें देखेंगे कि ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर टाइपिंग टाइम कीपर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसे सीनियर सीसीटीसी के नाम से जाना जाता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस। तो लेवल 4 से लेकर आपका लेवल 6 तक जो ये वैकेंसी है, लेवल 4, 5, 6, इनके लिए आपको डिग्री की आवश्यकता होती है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि वो क्रूशियल डेट इसमें माना जाता है। तो आपके पास अगर डिग्री है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप लेवल 4 से लेकर लेवल 6 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी का ड्रीम होता है कि नहीं यार, मैं तो ना गुड्स गार्ड बनूंगा या स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूं, तो आपको इसमें डिग्री की आवश्यकता होती है, या आप बीए कर रखी हो, या फिर आपने बीएससी कर रखी हो, या फिर बीकॉम कर रखी हो, या बीबीए कर रखी हो, या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, कोई सा भी डिग्री आपका इसमें चल सकता है, क्योंकि आपको इसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मात्र आपको डिग्री की आवश्यकता होती है और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी इसमें ज़रूरत नहीं रहता। वहीं बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ट्वेल्थ पास कर रखे होते हैं, तो ट्वेल्थ पास के लिए कौन कौन सा वैकेंसी इसमें आता है। तो इसमें लेवल 2 एंड लेवल 3 का आपका ट्वेल्थ पास का फॉर्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेन क्लर्क इसमें लेवल 2 का पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क एंड अकाउंट्स क्लर्क, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि सीसीटीसी का पोस्ट होता है। आपको इसमें ट्वेल्थ और इसके इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप ट्वेल्थ में एडमिशन ले चुके हो तो आपका फॉर्म क्लोजिंग होने से पहले आपको रिजल्ट ज़रूर आना चाहिए, या फिर ट्वेल्थ पास कर चुके हों उनको लिए आपको इसमें 50% मार्क्स आपका अनिवार्य है, यानी कि 50% जो भी है जनरल एंड ओबीसी है ना, उनके लिए ही अनिवार्य है। अदरवाइज़ अगर आप एसटी में हो, या फिर एससी में हो, या फिर आप पीडब्ल्यूडी में हो, या फिर आप एक्स सर्विस मैन हो, इन तीनों चारों कैटेगरी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आप जनरल में हैं या फिर ओबीसी में हैं तो आपको ट्वेल्थ में 50% मार्क्स अनिवार्य है, तभी आप अपना ट्वेल्थ पास से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा रेलवे रूल नहीं निकालते तो काफ़ी संख्या में ट्वेल्थ पास फॉर्म अप्लाई होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है, इसीलिए रेलवे ने ये निकाला है कि ट्वेल्थ में एटलीस्ट जनरल एंड ओबीसी का 50% मार्क्स अनिवार्य होना चाहिए। इस बार एज लिमिट की बात करें तो नॉर्मली आपका देखते होंगे कि 18 से 30 साल रहती है, लेकिन इस बार आपकी 18 से 33 साल एज लिमिट रहने वाली है। 1/1/2025 को आपको 18 से लेकर 33 साल के बीच होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल की कोरोना की वजह से इसमें छूट दी गई, जो कि रेलवे ने काफ़ी अच्छा किया है इस बार। इसके अलावा मैं बात करता हूँ टाइपिंग किस किस में मांगा जाता है। तो आपकी लेवल 2 वाली जो ट्वेल्थ पास है, जूनियर क्लर्क में टाइपिंग मांगा जाता है, अकाउंट क्लर्क, अभी मैं अकाउंट क्लर्क के पद पर पोस्टेड हूँ जो कि एनटीपीसी के थ्रू लगाऊँ, 2019 वाली वैकेंसी जो इससे पहले आई थी, तो उसमें टाइपिंग मांगा जाता है। सीसीटीसी में टाइपिंग नहीं मांगा जाता, इसी के अलावा आपका सीनियर सीसीटीसी में नहीं मांगा जाता, सीनियर क्लर्क में आपका टाइपिंग मांगा जाता है। इसमें देख सकते हैं कि एक तो डिग्री चाहिए और टाइपिंग इसमें आपकी चाहिए। सीनियर क्लर्क एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में हम JAA भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ऑफिशियल पोस्ट है सीनियर क्लर्क एंड JAA। आपकी सैटरडे संडे की इसमें छुट्टी मिलती है, काफ़ी NH जो नेशनल हॉलीडे आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इसमें छुट्टी मिलती है। इसके अलावा आपकी इसमें नाइट ड्यूटी नहीं लगती, ऐसे JAA और ऑफिशियल ड्यूटी के काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि इसमें कौन सी पोस्ट बेस्ट है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए, और लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए आपके पास ट्वेल्थ पास होना चाहिए, और आप जनरल ओबीसी में तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।
तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।